जय सियाराम। दिव्य ज्ञान परमार्थ से मैं मयंक त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, आज हम आपको धन लाभ और उन्नति पाने का जो प्राचीन उपाय है वह आपको बताएंगे। क्योंकि मित्रों, आज के दौर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अपनी ज़रूरतों को कम तो कर रहे हैं तब भी उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके खर्चे बराबर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए इंसान हमेशा दिन रात भागा दौड़ करता रहता है जिससे वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा कर सके। अपार धन की चाहत हर किसी के मन में होती है ताकि वह जिंदगी में थोड़ा सा रुक कर आनंद ले सके। इसके लिए शास्त्रों में कुछ प्राचीन उपाय बताए गए हैं जिसको साधु संतों ने लिखा है। उन उपायों को अजमाने से आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होंगी। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि वह कौन से उपाय हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। बताने से पहले प्रिय मित्रों, पुनः वही अनुरोध कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे, उपाय आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से उपाय हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास धन संबंधी समस्या है, आप धन और वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करिए कि आप घर के मंदिर या किसी अन्य क्षेत्र में आप लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा ऐसा हो कि वह हमेशा कमल पर बैठी हो, ऐसी तस्वीर घर में शुभ मानी जाती है। यानी कि माँ लक्ष्मी का ऐसा तस्वीर होना चाहिए, ऐसा फोटो होना चाहिए, ऐसा मूर्ति होना चाहिए जिस पर वो कमल पर बैठी हो, जिससे घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। वहीं अगर आप दुकान में लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, चित्र रखे हैं, तो ऐसा चित्र होना चाहिए, ऐसा प्रतिमा होना चाहिए कि लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी अवस्था में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्रतिमा की, ऐसी फोटो की पूजा करते हैं तो आपके पास धन की वृद्धि होगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके पास धन संबंधी समस्या होगी तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रिय मित्रों, अगला उपाय जानते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए और उस कोण में उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा आप गंगा जल रखें। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर के सदस्यों पर भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, सभी की तरक्की होती है। प्रिय मित्रों, अगला उपाय जानते हैं। यदि नौकरी की तलाश में हैं या कारोबार में परेशानियां चल रही हैं तो आर्थिक उन्नति के लिए आप नियमित श्रीमद्भागवत गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, इस श्लोक का आप प्रतिदिन 21 बार जाप करें। इससे आत्मबल मिलता है और नौकरी में, व्यापार में जो भी दिक्कत आती है, जो भी समस्या आती है, वह सब दूर हो जाता है और धन आने के नए मार्ग खुलते हैं। अगला उपाय जानते हैं। मंगलवार और शनिवार को आप दूध, काला तिल, गुड़ मिश्रित जल आप पीपल पर चढ़ाएं, पीपल पर अर्पित करें, तो इससे आपके घर में कोई भी समस्या है, आपके ऊपर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कष्ट है, चाहे वह धन संबंधी समस्या हो, रोग संबंधी समस्या हो, तो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप पीपल पर जल अर्पित करेंगे तो सभी नवग्रह का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सभी देवों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माँ लक्ष्मी जी की अति कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। धन संबंधी समस्या है, रोग संबंधी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, सारे समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। आप यह उपाय अवश्य करें। बस मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम।